दिन से लापता हुआ टैक्सी चालक ऐसे ही गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसकी हत्या कर दी गई थी। टैक्सी चालक की हत्या करने के बाद हत्यारों ने उसका शव एक घर के कमरे में ही दफन कर दिया था। हत्या की सनसनीखेज वारदात का खुलासा पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद किया है। दोनों हत्यारे चरसी और स्मैकीय हैं। हत्या की खौफनाक वारदात उत्तर प्रदेश के जनपद एटा की है। कोतवाली देहात निवासी 25 वर्षीय ऑटो चालक सलमान दो दिन पहले ऑटो लेकर घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वह वापस नहीं लौटा। परिजन सलमान की तलाश कर रहे थे कि इसी बीच मिरहची थाना इलाके में पुलिस को एक ऑटो के एक्सीडेंट होने की जानकारी मिली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ऑटो सवार घायल अनिल नाम के व्यक्ति को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। तफ्तीश के दौरान पुलिस को जानकारी हुई कि ऑटो घायल अनिल की नहीं बल्कि सलमान नाम के व्यक्ति की थी। ऑटो मालिक के खुलासे के बाद पुलिस ने जब अनिल से पूछताछ की तो उसने गायब हुए ऑटो चालक सलमान की हत्या की बात कबूल कर ली। साथ ही पुलिस को यह भी बताया कि सलमान की लाश थाना जैथरा के कसैला गांव स्थित एक घर में दफन है। यहां मौके पर पहुंची पुलिस को ओमकार नाम का एक व्यक्ति मिला। पुलिस ने ओमकार को भी दबोच लिया और उसकी निशानदेही पर घर के एक हिस्से में दफन किए गए सलमान का शव बरामद कर लिया। सलमान की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए अनिल और ओमकार दोनों स्मैकीय हैं। यही वजह है कि दोनों द्वारा नशे की लत और लालच में पड़कर सलमान की हत्या कर दी गई। स्मैकी टाइप के हैं, नशेड़ी हैं, वही पहले जेल गए इस घटना में। जो है लग तो ऐसी राय सर टेम्पो को मशीन के ले गए होंगे और फिर किसी बहाने से इसको ले गए हैं और गांव में ले जा करके उसकी हत्या कर दी। जमीन गाड़ दिया था उसको, तो ये लग रहा है कि शायद बहाना करके उसको लेके गए। नंद कुमार, जनमत न्यूज़, एटा।